रूही की तरह सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पॉन्जी बने हैं ये। इसको आप रस निकालिए, दोबारा से रस में डिप करेंगे फिर भर जाएगा और अंदर से पूरे जालीदार। तो आज हम बनाने वाले हैं मिनी रसगुल्ले की रेसिपी दोस्तों। इसमें हमें कोई भी मैदा, सूजी, अरारोट, कॉर्नफ्लावर, रीटा किसी का भी यूज़ नहीं करने वाले, सिर्फ दूध का, विनेगर का और चीनी का यूज़ करेंगे। तो बिना देर लगाइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मैं निकुंज आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल शुगर एंड बटर में। तो मिनी रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे गाय का दूध। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये दूध पहले से ही बॉइल्ड है, ये ठंडा हो चुका है इसलिए मैं इसको सिर्फ गर्म कर रहा हूँ। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो उसको बॉइल करने के बाद आपको ठंडा करना है, और ठंडा मतलब इतना होना चाहिए कि गुनगुना रह जाए, तब हम दूध को फाड़ेंगे तो छेना की क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आएगी। तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं फिर हम दूध को फाड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध गर्म हो गया है, ऊपर मलाई आ गई है, और इस स्टेज पे मैं फ्लेम को बंद कर दूंगा। और मैं यहाँ पर विनेगर का यूज़ करने वाला हूँ, तो विनेगर में जितना विनेगर ले रहे हैं उतना ही पानी मिलाइएगा ताकि कंसंट्रेशन कम हो जाए उसका। तो मैंने ये विनेगर और पानी का मिक्सचर लिया है, एक एक दो दो चम्मच करके ऐड करेंगे और हल्का हल्का दूध को हम लोग चलाएंगे, और जैसे ही दूध फटने लग जाएगा विनेगर को हम ऐड करना बंद कर देंगे। देखो ज़्यादा विनेगर का यूज़ करेंगे दोस्तों तो छेना खट्टा हो जाएगा, इसलिए विनेगर का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। एक बार दूध फटने लग जाएगा हम उस स्टेज पे बंद कर देते हैं डालना। नींबू हो या चाहे विनेगर लें आप। तो मैंने 2 चम्मच और डाला है इसमें, हल्का सा इसे चलाएंगे, और आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा फटना शुरू हो गया है, कर्डल होना शुरू हो गया है। और इस स्टेज पे हम लोग अब विनेगर डालना बंद कर देंगे और आप देखिए पूरा दूध एक बार में फट जाएगा। तो दोस्तों रसगुल्ले बनाने के लिए इसमें मेन जो चीज़ है वो है छेना। छेना जितना सॉफ्ट बनेगा उतने सॉफ्ट आपके रसगुल्ले बनेंगे। देखिए दूध फट चुका है तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और हम इसको छेना को छानने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये एक पतीला लिया है जिसके ऊपर मैंने छलनी रख दी है। इसमें हम लोग लेंगे एक मसलिन क्लॉथ, इस कपड़े को गीला कर लीजिएगा ताकि छेना आसानी से इसमें से छन जाए। सूखे कपड़े में से छेना कई बार गिर जाता है। तो इसमें अब हम धीरे धीरे करके दूध जो हमने फाड़ा है वो डालेंगे, जिससे हमारा ये वे प्रोटीन जिसे बोलते हैं, बिल्कुल ये बहुत काम का पानी है दोस्तों। इसमें आप आटा गूंथ सकते हैं, इसे आप पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए छेना सारा इसमें अलग कर लिया है, और अब इसी टाइम पर दोस्तों हम लोगों को ये बिल्कुल सादा पानी से, ये आरओ का वाटर है लेकिन सादा है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का है, इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो विनेगर का खट्टापन है वो इसमें से निकल जाए, और एट द सेम टाइम हम इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो मैं जैसा आपको शुरू में बता रहा था कि इसमें रसगुल्ले में मेन होता है छेना की क्वालिटी, तो छेना की क्वालिटी पूरी आपकी डिपेंड करेगी उसमें वाटर कंटेंट कितना है। तो इसको अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद 1 घंटे के लिए कम से कम टांग के रखिएगा ताकि बिल्कुल पानी उसमें से ड्रेन आउट हो जाए, तभी छेना बहुत सॉफ्ट बनेगा और तभी आप उसका यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल निचोड़ लिया और 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगा, और अब 1 घंटे के बाद मैंने इसे एक बड़ी परात में निकाल लिया है। आप देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है ये छेना इस टाइम पर, और अगर इसी तरीके से निकल रहा है इसका मतलब छेना बिल्कुल ठीक है। अगर आपका छेना चिपक रहा है कपड़े में इसका मतलब आप उसमें पानी है, तो उसको दोबारा से आप निचोड़ लीजिएगा। अब अपने हाथों से हम लोग इसको थोड़ा सा मसल के बिखेर लेंगे देखने के लिए कि चिपक तो नहीं रहा है। बिल्कुल इस टाइम पानी नहीं है तो ये चिपक नहीं रहा है, और यही बेस्ट क्वालिटी होती है छेना की, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बनाने में रसगुल्ले। और इसको पाम की मदद से, हाथ की मदद से हम लोग यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मैश करना है, ज़्यादा मैश नहीं करना है आपको इसे, क्योंकि अगर आप रसमलाई बना रहे होते हैं तो डिफरेंट तरीका होता है, अगर आप रसगुल्ले बना रहे हैं तो डिफरेंट तरीका है। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि इसका दाने दाने बिल्कुल पिसके एक आटे की फॉर्म ले लें, एक डो की फॉर्म ले लें। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल डो की तरह तैयार हो रहा है। ये देखिए डो बिल्कुल, छेना कितना सॉफ्ट है इस टाइम, रूई की तरह है, आप जिस तरफ से दबाएंगे वो वही शेप ले लेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको हम लोग अब इसकी गोलियाँ बनाएं, इसकी बॉल्स बनाएं, उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चाशनी को। चाशनी बनाने रख देते हैं एक बार पहले। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप शुगर ली है और 1 कप पानी लिया है। तो ध्यान रखिएगा जितनी भी शुगर आप ले रहे हैं उसका आधा पानी लेना है। यहाँ पर गाढ़ी चाशनी में रसगुल्लों को उबाला जाता है इसीलिए वो रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर आप जितना भी पानी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप चीनी को डबल कर लीजिएगा, यानी चीनी 2 गुना और पानी 1 गुना। ये मैंने 1 कप पानी यहाँ पर लिया है और चीनी मैंने यहाँ पर 2 कप ली है। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट फिक्स है, इसके हिसाब से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको एक बार बॉयल दे देते हैं, बीच बीच में चला लीजिएगा ताकि चीनी लगे ना नीचे। तब तक हम लोग बॉल बना लेते हैं छेना की, बाकी प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए छेना बिल्कुल सॉफ्ट है इस टाइम पर,
और इसको अब हम लोग जितनी शेप जो शेप हम चाहें वो दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, मिनी रसगुल्ले बना रहे हैं तो उसमें बहुत छोटी शेप देनी है, बिकॉज जब हम इसे बॉईल करते हैं तो वो ऑलरेडी डबल से ट्रिपल साइज़ का हो जाता है। तो हम इसके छोटे छोटे से पोर्शंस हम लोग तोड़ के रख लेंगे और फिर एक साथ बॉल बनाएंगे इसकी। तो ये देखिए करीबन इतनी बॉल का साइज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने इतना छोटा लिया है। इसका भी आप बाद में देखेंगे, ये बहुत बड़ी हो जाएगी बन के रसगुल्ला इसका। तो इसी बॉल के साइज़ के बराबर की हम लोग सारी लोइयाँ तोड़ लेंगे, और एक बार लोइयाँ टूट जाएंगी फिर हम बनाएंगे इनकी बॉल। तो ये देखिए दोस्तों, सारी लोइयाँ टूट चुकी हैं, सारी बराबर की हैं। और अब हम हाथों के बीच में रख के इनको रोल करेंगे, और जो छोटी छोटी जैसे आप रोटियाँ बनाते हैं उस टाइम पे रोल करते हैं, ये देखिए बिल्कुल कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बनी है। हाथों में घी आना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। यही स्टेज होती है छेना की, जब हम बॉल बनाते हैं हाथों में घी आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग बाकी सारी रोल कर लेंगे बॉल्स को। मैं एक और करके आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं मसलना है, आप थोड़ा सा मसलेंगे तो भी ये बन जाएगा। और इसी तरीके से बाकी सबको भी हम रोल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारी बॉल बनके तैयार है। करीबन 2 लीटर दूध में जितना छेना निकला उसमें 55 से 60 बॉल बनेंगी, अगर आप छोटे साइज़ की बना रहे हैं। ऊपर नीचे साइज़ करेंगे तो नंबर ऑफ बॉल्स भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसी तरीके से बनानी है सारी। शुगर सिरप देख लेते हैं, चाशनी भी बिल्कुल बॉयल आ चुका है, लेकिन चाशनी आप देख रहे हैं काफ़ी गंदी लग रही है, काफ़ी ब्लैक कलर है इसमें। तो चाशनी को बिल्कुल साफ़ करा जाएगा, जैसे रसगुल्ले में ट्रांसपेरेंट चाशनी होती है, उसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे करीबन 4 से 5 चम्मच। इसमें हम दूध डाल रहे हैं ताकि चाशनी इससे साफ़ हो जाए। एक बार दूध बॉईल होगा तो आप देखेंगे सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर की तरफ आ जाएगी, और फिर उसको हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए सारी गंदगी ऊपर आ गई है, तो अब हम लोग एक स्पैचुला की मदद से सारी गंदगी इसमें से निकाल लेंगे। और ये 1 से 2 बार में बॉईल आता रहेगा, आपको गंदगी निकालती रहनी है। तो एक बार में नहीं निकलेगी, हो सकता है 2 बार में निकले। दूध एक ही बार डालना है, बट 2-3 बार बॉईल होने पर ये बार बार आप निकाल लीजिएगा। और जैसे जैसे इसको निकालते जाएंगे चाशनी साफ़ होती जाएगी। तो देखिए चाशनी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और इस स्टेज पे हमने जो बॉल्स बना रखी थी छेना की वो हम डाल देंगे इसमें। सारी बॉल्स रेडी हैं, तो इसको हम लोग एक बार में डाल देंगे यहाँ पर। एक एक करके नहीं डालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी देर में चाशनी ठंडी भी हो जाएगी और जो पहले डालेंगे वो ज़्यादा देर हो जाएगा उनको बॉयल होते हुए। तो एक साथ डालेंगे, हल्के हाथों से इसको बीच में कर देंगे ताकि सारी तरफ बॉलें फैल जाएं। अभी जितनी जगह दिख रही है थोड़ी देर में सारी जगह भर जाएगी, बिकॉज ये साइज़ बड़ा हो जाएगा इनका। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको ढक के छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद इनका साइज़, मैं आपसे बोल रहा था डबल से ट्रिपल हो जाएगा, साइज़ बिल्कुल बड़ा हो चुका है। अब इनको हल्के हाथों से हम लोग फ्लिप करेंगे। तो टोटल दोस्तों हम लोगों को इसे 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। 5 मिनट हम कर चुके हैं, और इस स्टेज पे फ्लिप कर दीजिएगा। जो पीछे की तरफ बॉलें दब रही हैं उनको आगे ले आइए ताकि उनका साइज़ बिल्कुल बराबर आए। और दोबारा से हम लोग इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से हाई फ्लेम पर रखेंगे। याद रखिएगा, हाई फ्लेम पर ही 10 मिनट तक आपको बॉईल करना है। तो ये लीजिए, 10 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सिक चुकी हैं अच्छी तरह। इनका कलर भी आपको दिख रहा है, हल्का सा येलो आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये सिक चुकी हैं, और साइज भी इनका पूरा आ चुका है। तो इस टाइम पर हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे। तो दोस्तों, रसगुल्ले बिल्कुल बनके तैयार हैं, और अब इसका सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। आपको इसी टाइम पर इसको निकालना है स्पैचुला की मदद से, और इसका जो चाशनी है उसको बिल्कुल छान लेना है। स्पैचुला में जितना छन जाएगा उतना सफिशियंट है, और इसको ले जाके सीधा आप आइस कोल्ड वाटर में डालना है, बर्फ का बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दीजिए, जिससे उसका जो साइज है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, साइज़ उसका डिफाइंड हो जाएगा, दोबारा साइज़ चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगा। और आप देखिए अब भी ये कितना सॉफ्ट है, मैं इसे दबा रहा हूँ तब भी इसमें रस निकल रहा है, पानी में दोबारा डिप कर रहे हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही स्पॉन्जी है, अंदर से बिल्कुल हॉलो है। और साथ में अंदर आप देखिए बिल्कुल जाला जो बनता है स्पंज के अंदर, जो जाला होना चाहिए वो परफेक्ट बना हुआ है। तो इसे सिर्फ हम 2 से 3 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखेंगे, पानी निकाल देंगे। और ये देखिए पानी निकालने के बाद ये बाउल में मैंने निकाल लिया है, और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे गरम चाशनी। जो हमने चाशनी बना रखी थी उसको दोबारा गरम नहीं करना है, वो ऑलरेडी गरम है, तो उसको डाल देंगे। जितनी चाशनी ज़रूरत है, चाशनी में डूबना नहीं चाहिए, बट चाशनी इसके बेस तक रहनी चाहिए, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है रसगुल्ले की वहाँ तक चाशनी आनी चाहिए। तो इतनी चाशनी डालनी है कि ये डूबे ना, बट चाशनी कम भी ना हो।
तो दोस्तों ये तैयार हो गए हमारे मिनी रसगुल्ले, जिन्हें छेना अंगूर भी बोला जाता है। तो दोस्तों बना के देखिएगा ये रेसिपी। ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक बटन दबाइए, बट ओपिनियन ज़रूर देके जाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।